हाँ तो दोस्तों, बॉलीवुड के लोगों में आपका स्वागत है। मैं हूँ अमित, मुंबई पुणे से, और आज हम बात कर रहे हैं नाम शबाना मूवी के सेकेंड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जहाँ नाम शबाना को रिलीज़ हुए अब 2 दिन पूरे हो चुके हैं, तो हम आपको बताते हैं कि पहले दिन जहाँ नाम शबाना ने 5 करोड़ 12 लाख का कलेक्शन किया, वहीं अगर दूसरे दिन की बात करें तो इस मूवी ने 6 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन कर दिया है। तो हम आपको बता देते हैं कि इस मूवी ने 22% ग्रोथ की है। अगर इसके टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने अभी तक 11 करोड़ 37 लाख रुपए कमा लिए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये मूवी अभी आने वाले टाइम में क्या और भी कमाल मचा सकती है? संडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और भी कमाल का हो सकता है। ये मूवी पहुंच सकती है 18 से 19 करोड़। हम बताते हैं आपको, अक्षय कुमार का ये कैमियो रोल था, लेकिन अक्षय कुमार की बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग सराही है लोगों ने। छोटा सा रोल था लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। और हम अगर बात करें तापसी पन्नू की, तो तापसी पन्नू की एक्टिंग की अगर हम पिंक मूवी से बात करें, तो पिंक मूवी से ही उठ गई थी तापसी पन्नू। तो पिंक मूवी में आपको एक्टिंग कैसी लगी थी, और तापसी पन्नू की एक्टिंग अभी नाम शबाना मूवी में आपको कैसी लगी, ये आपको बताना होगा कमेंट में। और अक्षय कुमार का कैमियो रोल कैसा लगा, ये मूवी आपको बताना होगा। ये टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना करेगी? मुझे तो लगता है ये मूवी कम से कम नहीं तो 70 से 80 करोड़ तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नाम शबाना मूवी में ये 3 स्टार और कौन सी भूमिका निभा सकते हैं, और कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकते हैं? दोस्तों, आपको अक्षय का लुक कैसा लगा? और अक्षय के लुक के लिए तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि अक्षय कुमार की जो टॉयलेट एक प्रेम कथा है, टॉयलेट एक प्रेम कथा एक भारतवासियों के ऊपर निर्धारित है। तो हम आपको बताते हैं, अक्षय कुमार ने एक ट्वीट करके भी बोल दिया है कि ये मूवी भारतवासियों को ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको टॉयलेट एक प्रेम कथा जरूर देखनी चाहिए, और आपको टॉयलेट एक प्रेम कथा का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो सकता है ये भी आपको बताना होगा। और सब